कटक के एक अखाड़े में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जबकि 4 लोग इस वाकये में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में एक महज 3 साल का मासूम भी शामिल है। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि इस फायरिंग की वारदात को एक शख्स ने अंजाम दिया, जो कि कोच ही बताया जा रहा है। और कोचिंग देने से मना करने पर अखाड़े में इस विवाद के बाद उसने गोलियां चला दी, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें खबर जो सामने आ रही है 5 लोगों की मौत हो गई। अभी 2 और लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है और अस्पताल में भर्ती हैं। हत्यारों की तलाश में अब भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन दहशत में मेरे साथ विमल कौशिक, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विमल, अभी तक आखिर वजह क्या रही? एक और दूसरी जिन पर आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या जानकारियां आ रही हैं? क्या कार्रवाई अब तक की गई है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले मैं आपको ये पूरा घटनास्थल दिखा दूं, मैं वहीं पर मौजूद हूं। ये जाट कॉलेज का जो छात्रावास है उसके अंदर ये कुश्ती हॉल या अखाड़ा बना हुआ, और यहीं पर जो मुख्य आरोपी है सुखमिंदर, वो खुद भी यहाँ पर नौकरी करता था, कोचिंग देता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मुख्य संचालक है इस अखाड़े का मनोज, उससे उसका झगड़ा चल रहा था, रंजिश चल रही थी। और जानकारी में ये भी आया है कि जिस वक्त ये पूरी घटना, बाकायदा सुखिंदर ने एक प्लान के तहत मनोज, उसकी पत्नी और उसके जो अन्य दो साथी थे, जिसमें सतीश और इसके अलावा एक अन्य कोच प्रदीप, ये तमाम लोगों को बातचीत के लिए बुलाया। और उसके बाद जब बातचीत चल रही थी, उसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये पूरे हॉल फिलहाल पुलिस ने सील किया हुआ है, और ये जो आप बालकनी देख रहे हैं ऊपर की तरफ, पूरा झगड़ा इसी में हुआ। और आसपास उस वक्त काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, कुछ स्टूडेंट मौजूद थे जो मौके पर भागे, और उसी के चलते एक महिला जो पहलवान है उसकी भी मौत हुई है इस फायरिंग में। ये वाकई में एक बड़ा सवाल जो अपने पीछे छोड़कर ये पूरी घटना गई है, वो ये है कि आखिर सुखविंदर की कोई रंजिश भी थी तो वो उसकी एक या दो लोगों से थी, लेकिन उसने इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया? कैसे उसने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला पहलवान भी शामिल है, और इसके अलावा जो कोच है मनोज, उसकी पत्नी साक्षी भी शामिल है, और एक बच्चा भी घायल हुआ, 4 लोग घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इतनी बड़ी घटना को आखिर सुखविंदर ने कैसे प्लान किया, इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहाँ से आए, ये तमाम चीजें सवाल हैं। और पुलिस की कई टीमें अब सुखविंदर की तलाश कर रही हैं। सुखविंदर के बारे में पहले से भी कुछ जानकारी मिल रही है कि वो उसके परिवार ने भी उससे बिल्कुल बेदखल किया हुआ, और वो यहीं पर नौकरी कर रहा था, लेकिन ये पूरी घटना उसने क्यों दिए, सुखविंदर के गिरफ्तार होने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। जी लेकिन विमल, कारण क्या है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, उसके बाद एक शख्स का यूं फरार हो जाना? और ये भी जानकारियां आ रही हैं कि पहले से भी शख्स को लेकर के कुछ शिकायतें थी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, और शायद ये भी एक वजह बनी जिनके चलते ये इतनी बड़ी घटना घटी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर सुखविंदर यहाँ पर पिछले कुछ सालों से नौकरी कर रहा था, खुद जो इस अखाड़े के मुख्य संचालक है मनोज, उनके साथ उसका कई बार डिस्प्यूट हुआ मनोज के साथ, और उसी को लेकर कल शायद जो जानकारी अभी तक सूत्रों से मिल रही है कि जो सुखविंदर है उसने बातचीत के लिए बुलाया मनोज को, उस वक्त उसकी पत्नी साक्षी भी यहाँ पर मौजूद थी, इसके अलावा जो एक अन्य कोच है थे सतीश और इसके अलावा एक प्रदीप, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे बालकनी में, वहीं पर बातचीत चल रही थी। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जो सुखविंदर था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, और जानकारी ये भी आ रही है कि उसके कम से कम आधा दर्जन साथी यहाँ पर पूरी घटना के दौरान मौजूद थे जिन्होंने इस पूरी घटना में उसका साथ दिया। और ये भी बड़ा सवाल है कि अगर इतने लोग यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज है ये,
एजुकेशन की जगह है, यहाँ पर हथियार लेकर इतने लोग कैसे अंदर आए, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। और पुलिस की कई टीमें अब सुखविंदर की तलाश कर रही हैं, उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी भी की जा रही है, और उसके साथ ही जो जो लोग इसमें शामिल था उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द तमाम आरोपी उनके गिरफ्त में होंगे और उसके बाद पूरी घटना से एक एक करके कड़ियों को जोड़ा जाएगा कि आखिर उन्होंने हथियार कहाँ से लिए और ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसके चलते उसने ना सिर्फ जो मुख्य संचालक थे उसकी बल्कि और जो भी सामने आया, जिसमें खुद ये भी बात हैरान करने वाली है कि एक महिला पहलवान पूजा जो यहां पर प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी उसकी भी हत्या कर दी गई, उसको भी गोली मारी गई। तो ऐसी कौन सी रंजिश थी कि उसके सामने जो आया, जो सामने पड़ा उसको गोली मार दी गई। लेकिन महज एक 3 साल का मासूम जिसका नाम शायद विमल सरताज भी है और 4 लोग कुल मिलाकर के उस बच्चे को मिलाकर के गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज जारी है, एक तो इनकी स्थिति को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है और बच्चे को गोली कैसे लग गई? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बार आपको फिर से ये पूरा इलाका दिखाना चाहूंगा। ये वही जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जो कुश्ती हॉल है, यहाँ पर ठीक ऊपर बालकनी पे बातचीत चल रही थी। फिलहाल पूरा जो एरिया है अभी पुलिस ने सील किया और यहाँ पर उस वक्त काफी संख्या में लोग मौजूद थे क्योंकि फायरिंग की आवाज सुनकर तमाम लोग बाहर की तरफ उसी बालकनी की तरफ भागे। पर जो सुखविंदर था शायद उसे डर था कि वो उसे पकड़ ना लिया जाए, तो वो घिरता हुआ देखकर उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी उसने और उसके साथियों ने, और उसी की चपेट में ना सिर्फ जिनकी मौत हुई है जो घायल हुए तमाम लोग उसी की जो फायरिंग की गई उसकी चपेट में आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ा परिसर है और आसपास काफी संख्या में उस वक्त जो छात्र थे या फिर जो प्रैक्टिस करने आए हुए थे पहलवान वो मौजूद थे। और इस जगह की मैं बात करूं तो इस अखाड़े की, तो यहां से कई पहलवान निकले हैं जिन्होंने भारत का कई मंचों पर नाम रोशन किया है और उस जगह इस मामूली सी रंजिश को लेकर एक कुश्ती में या फिर वर्चस्व को लेकर इस तरह की घटना हुई हो तो वाकई में कई गंभीर सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल, इस पर अभी पुलिस ने जो कार्रवाइयां की हैं, एक तो धाराएं क्या ला गई हैं विमल, दूसरा जो पूजा महिला पहलवान है जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे थे उनकी भी हत्या कर दी गई, उनको भी गोली मारी गई, अब क्या उनका परिवार भी पहुंचा है, कोई बातचीत हो पाई परिवार वालों से जिनकी हत्या हो पाई हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, क्या कहना है परिवार का? देखिए परिवार के लोग पहुंच गए हैं रात में और पोस्टमार्टम के औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, पोस्टमार्टम के बाद तमाम लोगों को परिजनों को उनके शव सौंपे जाएंगे। लेकिन क्योंकि घटना इतनी अचानक हुई और किसी को, क्योंकि पूजा जो महिला खिलाड़ी है बताया जा रहा है कि वो मथुरा की रहने वाली थी और उसका इस रंजिश से कोई लेन देन नहीं, वो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी, तमाम वही चीजें हैं जो जांच में सामने आएंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उसने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, मासूम बच्चे पर भी फायरिंग हुई, इसके अलावा जो भी बीच में है उस पर फायरिंग की गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस की जांच में शामिल हैं और सबसे अहम चीज ये कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए, कहां से उन्हें हथियार मिले, क्या वो लाइसेंसी वेपन्स थे या फिर वो अवैध तरीके से हथियार इनके हाथ लगे, तो कहां से उनका सोर्स था वो वेपन का सोर्स, वो भी तमाम चीजें पुलिस अपनी जांच में कर रही है। और कई टीमें इस वक्त पुलिस की जो हरियाणा पुलिस की है वो उसकी तलाश में लगी हुई, सुखविंदर और उसके जितने भी साथी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। शुक्रिया आपका विमल तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अभी सुखविंदर जो कि मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है लेकिन पुलिस कार्रवाई में जुटी है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, दावा ये भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।